दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर के जंगल में धमाकों का वीडियो सामने आया है। एयरक्राफ्ट और उनसे गिरते गोलों को देखकर मंदिर आए श्रद्धालु सहम गए। कुछ रोज पहले एसपी दतिया अमन सिंह राठौर भी फोर्स के साथ इस क्षेत्र में डकैतों की सुगबुगाहट के बीच जंगल में उतरे थे। हमने देखा, मैं जहाँ पे आए तो देखा यहाँ पर कोई गोला गिराया गया, तो जंगल में यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम विस्फोट टाइप का हुआ है। कितने गोले चले गए गेम में? यहाँ पर 3-4 गोले चले हुए हैं अभी वर्तमान में। कैसे मतलब वो हेलीकॉप्टर वगैरह? हाँ, हेलीकॉप्टर से गिराया गया ऊपर से। ऊपर से? हाँ। क्या देखते हो इसको, कैसे मानते हो कि इससे जनहानि होने की संभावना है? पूरी पूरी हो भी सकती है। अगर मौके पर वहां पर कोई अगर नागरिक या पशु हुआ तो हो सकती है वहां पर पूरी पूरी। अब देख के पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, डांग में था ये तो? हाँ, जंगल में। प्रत्यक्षदर्शी नरसिंह कुशवाहा का कहना है कि आसमान में एयरक्राफ्ट दिखे और नीचे बम गिरते हुए नजर आए, हम डर गए, ऊपर से 3-4 गोले चलाए गए। प्रशासन की ओर से इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर के जंगल में धमाकों का वीडियो सामने आया है। एयरक्राफ्ट और उनसे गिरते गोलों को देखकर मंदिर आए श्रद्धालु सहम गए। कुछ रोज पहले एसपी दतिया अमन सिंह राठौर भी फोर्स के साथ इस क्षेत्र में डकैतों की सुगबुगाहट के बीच जंगल में उतरे थे। हमने देखा, मैं जहाँ पे आए तो देखा यहाँ पर कोई गोला गिराया गया, तो जंगल में यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम विस्फोट टाइप का हुआ है। कितने गोले चले गए गेम में? यहाँ पर 3-4 गोले चले हुए हैं अभी वर्तमान में। कैसे मतलब वो हेलीकॉप्टर वगैरह? हाँ, हेलीकॉप्टर से गिराया गया ऊपर से। ऊपर से? हाँ। क्या देखते हो इसको, कैसे मानते हो कि इससे जनहानि होने की संभावना है? पूरी पूरी हो भी सकती है। अगर मौके पर वहां पर कोई अगर नागरिक या पशु हुआ तो हो सकती है वहां पर पूरी पूरी। अब देख के पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, डांग में था ये तो? हाँ, जंगल में। प्रत्यक्षदर्शी नरसिंह कुशवाहा का कहना है कि आसमान में एयरक्राफ्ट दिखे और नीचे बम गिरते हुए नजर आए, हम डर गए, ऊपर से 3-4 गोले चलाए गए। प्रशासन की ओर से इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर के जंगल में धमाकों का वीडियो सामने आया है। एयरक्राफ्ट और उनसे गिरते गोलों को देखकर मंदिर आए श्रद्धालु सहम गए। कुछ रोज पहले एसपी दतिया अमन सिंह राठौर भी फोर्स के साथ इस क्षेत्र में डकैतों की सुगबुगाहट के बीच जंगल में उतरे थे। हमने देखा, मैं जहाँ पे आए तो देखा यहाँ पर कोई गोला गिराया गया, तो जंगल में यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम विस्फोट टाइप का हुआ है। कितने गोले चले गए गेम में? यहाँ पर 3-4 गोले चले हुए हैं अभी वर्तमान में। कैसे मतलब वो हेलीकॉप्टर वगैरह? हाँ, हेलीकॉप्टर से गिराया गया ऊपर से। ऊपर से? हाँ। क्या देखते हो इसको, कैसे मानते हो कि इससे जनहानि होने की संभावना है? पूरी पूरी हो भी सकती है। अगर मौके पर वहां पर कोई अगर नागरिक या पशु हुआ तो हो सकती है वहां पर पूरी पूरी। अब देख के पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, डांग में था ये तो? हाँ, जंगल में। प्रत्यक्षदर्शी नरसिंह कुशवाहा का कहना है कि आसमान में एयरक्राफ्ट दिखे और नीचे बम गिरते हुए नजर आए, हम डर गए, ऊपर से 3-4 गोले चलाए गए। प्रशासन की ओर से इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।